कर दो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुपम सिंह एग्जामपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो भी प्यारे साथी हैं एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे, बिकॉज बज चुके हैं 12 एंड आप मेरे साथ जुड़ेंगे करंट अफेयर्स के लिए। जो साथी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन। जल्दी से सेशन को दम लगा के शेयर करना है जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी बीएड सुपरटेट केवीएस या अन्य किसी टीचिंग एग्जाम के लिए कर रहे हैं तैयारी, तो उन्हें जल्दी से बुला लीजिएगा। जी गुड गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए जल्दी से अपनी ड्यूटी को पूरी कीजिएगा, सभी फ्रेंड्स को बुला लीजिएगा कि क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। एंड एक बार ये और बता दीजिएगा कि कैसे हैं आप सभी लोग एंड कैसे हैं आप सभी के हालचाल। चलिए भाई जल्दी से बता दीजिएगा कैसे हैं आपके हालचाल। वैसे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, एकदम मस्त हैं, बिंदास हैं और व्यस्त भी हैं अपनी पढ़ाई में। चलिए बाकी आप बता दीजिएगा भाई कैसे हैं। जी गुड गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। राम राम, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा, फिर आज की हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जी गुड गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए अच्छे हैं, फाइन है, दैट्स वेरी ग्रेट भाई, अच्छे ही होने चाहिए। अगर आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। चलिए एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा, फिर से सेशन को दम लगा के शेयर कर दीजिएगा। एंड यस, देखिए टीचिंग पर जो भी कोर्सेज आपके लिए लॉन्च हुए हैं, लाइक आचार्य आपका चल रहा है, 3-in-1 आपका चल रहा है, अगर आपने स्टिल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इन बैचेस के आप मेंबर बनिएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, लाइक जो भी एग्जाम है उसे आप क्रैक करना चाहते हैं। चलिए गुड गुड आफ्टरनून, शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, शेयर कर दीजिएगा। डेली की जो आपकी क्लास होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि यहाँ से कुछ बचता ही नहीं है। मैं वीकली में बोल सकती हूँ कि एक आध क्वेश्चन बच जाता है, मंथली में बोल सकती हूँ बच जाते होंगे एक आध क्वेश्चन, बट डेली वाली करंट अफेयर में आपका कुछ नहीं बचता। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होती है, एंड जो डेली लेते हैं वो अपने आप में चेंज भी पाते होंगे। एक तो डेली की न्यूज आपको मिल जाती है, सेकेंड चीज सारा कुछ आपको रिवाइज भी हो जाता है पीछे का। चलिए तो नेक्स्ट, मैम डी ट्रिपल एस बी पीआरटी जीएस के लिए कोई बुक सजेस्ट कीजिएगा। चलिए भाई बुक भी आपको बताएंगे। तो गुड गुड आफ्टरनून, इसी के साथ पहले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का विजेता बना है। चलिए भाई आपको यह जानना है, आपको ये जानना है, जो सेकंड आप सभी जानते हैं कि हमारे सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जा रहा था, मतलब कि ये चल रहे थे, कहां पर चल रहे थे, कर्नाटक में ये चल रहे थे, आपको पढ़ाया गया था। जब मैंने आपको इसका मैस्कॉट बताया था, इनका शुभंकर बताया था कि भाई वीरा इनका शुभंकर इनका मैस्कॉट रखा गया है, ठीक है। 23 अप्रैल से लेके 3 मई तक ये चले, 23 अप्रैल से लेके 3 मई तक, 3 मई तक ये चले थे। अब इनमें हमें ये देखना है कि जो टॉप पर यूनिवर्सिटी रही है, यानी कि जो सबसे ज्यादा मेडल है, यह कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा जीते गए हैं। तो जैन यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है, सबसे ज्यादा जो मेडल जीते गए हैं ये जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा जीते गए हैं। देखिए ये पूरी मेडल टैली है, अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो एक बार जल्दी से देखेंगे भाई। जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा टोटल जो मेडल जीते गए हैं ये 32 जीते गए हैं, जिसमें 20 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज हैं। वहीं सेकंड नंबर पर जो रही है ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पीबी पंजाब की रही है, 17 इसके द्वारा जीते गए हैं, ठीक है। वहीं 15 इसके द्वारा सिल्वर जीते गए हैं,
और 19 ब्रॉन्ज, यानी कि एक सेकेंड भाई। चलिए हाँ जी, ये भी आप देख सकते हैं ये टेबल है, तो फर्स्ट नंबर पर जैन यूनिवर्सिटी, सेकंड पर लवली प्रोफेशनल, थर्ड पर पंजाब है, वहीं फिर फोर्थ पर आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, फिफ्थ पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, एंड सिक्स्थ पर पंजाब यूनिवर्सिटी है, सिक्स्थ पर पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो ये है आपकी रैंकिंग, टॉप थ्री आप देख लीजिएगा, टॉप थ्री जो यूनिवर्सिटी है, जैन यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल एंड पंजाब यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी है। देखिए ये जो गेम चल रहे हैं, ये जो गेम चल रहे हैं, इन्हें ऑर्गेनाइज मैंने बताया कि कर्नाटक द्वारा किया गया था। कौन कौन से स्टेडियम में, एक तो जो कांतिवीरा इंडोर एंड आउटडोर स्टेडियम है वहां पर खेले गए, इसी के साथ साथ के एम करिप्पा स्टेडियम, तो दो स्टेडियम में इन गेम्स का क्या है पूरा समापन हुआ था। टोटल इसमें 20 गेम शामिल थे, टोटल जो गेम खेले गए वो 20 थे, 210 यूनिवर्सिटी से, 210 यूनिवर्सिटी से लगभग 3900 स्टूडेंट्स ने, लगभग 3900 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड इनमें पहली बार किसी नेशनल लेवल के गेम में पहली बार मल्लखांबा और योगासन, पहली बार मल्लखांबा और योगासन गेम को जोड़ा गया। तो ये नए गेम थे जो इसमें हमें देखने को मिले। चलिए अब रिकॉर्ड्स पर आ जाते हैं कि किसने क्या क्या रिकॉर्ड बनाया था। देखिए शिव श्रीधर इन्होंने 11 स्वर्ण पदक जीते, किसमें, तैराक में, और एक बहुत बड़ा अपना मुकाम हासिल किया है शिव श्रीधर, टोटल इन्होंने 11 पदक जीते तैराकी में। वहीं श्री हरि नटराज, इन्होंने 3 गोल्ड जीते, ये भी तैराकी से आपके रिलेटेड है। वहीं श्रृंगी बांदेकर ने महिलाओं में स्विमिंग की कैटेगरी में 4 स्वर्ण पदक जीतकर अपना क्या है भैया, अपना इतिहास रचा है। तो शिव श्रीधर याद रखेंगे, श्री हरि नटराज और वही श्रृंगी बांदेकर याद रखेंगे, जिनके द्वारा रिकॉर्ड कायम किए। एक और है भाई, एक नाम और याद रख लीजिएगा, नेम आपको याद रखना है, प्रिया मोहन क्या है, स्प्रिंटर है यानी कि रेसर है। प्रिया मोहन ने 200 मीटर की दौड़ में 200 मीटर की दौड़ में दूती चंद को हराकर स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इन्होंने जो 200 मीटर की रेस पूरी की ये 23.9 सेकंड में कर ली थी, वहीं दूती चंद इनसे पीछे यानी कि 24.90 सेकंड में अपनी रेस कंप्लीट की। इन्होंने 200 में तो जीता ही जीता, साथ के साथ इन्होंने 400 मीटर की जो रेस थी उसमें भी गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, कबड्डी में विजेता टीम रही थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, कोटा और कुरुक्षेत्र ये कबड्डी में क्या रहे थे, कोटा एंड कुरुक्षेत्र ये कबड्डी में विनर रहे थे, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी को इन्होंने हराया था। ठीक है, चलिए तो ये आपको याद रखने हैं। देखिए इतना डीप नहीं, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा भाई, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपसे यही नहीं पूछा जाएगा कि विनर टीम कौन सी रही थी, आपसे अंदर से ही वो पीछे पूछेगा। विनर टीम तो हर किसी से पूछ लेना, जो बच्चा तैयारी कर रहा है हर किसी को पता होगा, बट किसी बच्चे को ये नहीं पता होगा कि दूती चंद को किसने हराया था 200 मीटर की रेस में। ठीक है, या फिर किसने तैराकी में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते, किसी को ये नहीं पता होगा। यही चीजें तो आपको दूसरों से अलग बनाती है। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर है। मैस्कॉट भी इसका क्या था, वीरा, और वीरा क्या है, वीरा एक हाथी है, ठीक है।
चलिए कर्नाटक, कर्नाटक में ये ऑर्गेनाइज किए गए थे, आयोजित किए गए थे, कर्नाटक से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किरण पोलार्ड के संन्यास के बाद वेस्ट इंडीज के सीमित ओवरों के कप्तान का नाम किसने रखा है या फिर क्या रखा गया है। मतलब कि सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भाई वेस्ट इंडीज के जो कैप्टन थे, भाई आईपीएल अभी चल रहा है ठीक है, उसी के दौरान वेस्ट इंडीज के जो कैप्टन थे किरण पोलार्ड, उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया कि मैं क्या हूं भाई, मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं। अब इनकी जगह वेस्ट इंडीज के जो कैप्टन है वह कौन है, कौन बनाए गए हैं, ये हमें जानना है। तो कौन बनाए गए हैं, निकोलस पूरन ये वेस्ट इंडीज के नए कैप्टन बनाए गए हैं। देखिए ये भी क्या है, ये अभी आईपीएल में जो हैदराबाद सनराइजर हैदराबाद की टीम का ये पार्ट है, और इन्हें हैदराबाद सनराइजर के द्वारा 10.75 करोड़ में खरीदा गया था। इसमें बिडिंग होती है ना, तो बिडिंग में इनकी वैल्यू इतनी रखी गई थी, ठीक है भाई। इन्हें क्यों बनाया गया है कैप्टन इसलिए बनाया गया है क्योंकि आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप जो होगा, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 में। अब भैया वर्ल्ड कप होगा तो वेस्ट इंडीज का कोई हमें कैप्टन भी चाहिए, तो वहां पर कप्तानी कौन करेंगे, निकोलस करेंगे, और ये कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2022 का जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है यह ऑस्ट्रेलिया में होगा, फिर 2023 में होने वाला है वर्ल्ड कप, 2023 में आईसीसी का मेंस का वर्ल्ड कप होगा, तो उसमें भी जो कप्तानी करेंगे यह निकोलस ही इन दोनों वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की कप्तानी करेंगे, ठीक है। अभी तक ये उप कप्तान थे, बट अब इन्हें कप्तान बना दिया गया है। अब इन्हें क्या है, कप्तान बना दिया गया है, वही शाई होप है, अब ये उप कप्तान बन गए हैं। मतलब निकोलस पूरन की जगह किसने ले ली है, शाई होप ने ले ली है, वही किरण पोलार्ड की जो जगह है ये निकोलस पूरन ने ले ली है, ठीक है। तो बस इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है यहां से रिलेटेड। चलिए क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और चीजों को हम जान लेते हैं, और आप भी मुझे जल्दी से बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेस्ट मैच में 8000 रन बनाने वाले बैट्समैन कौन बने हैं, तो एक बार मुझे जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि 8000 रन बनाने वाले बैट्समैन कौन बने हैं। सेकंड, अगर मैं क्रिकेट से ही रिलेटेड बात करूं तो देखिए आप सभी जानते हैं, आपको क्या है, आपको भारतीय महिला टीम की जो कैप्टन है उनका मिताली राज के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है। भाई क्या याद रखना है कि मिताली राज भारत की पहली क्रिकेट वुमेन बनी है जो छह वर्ल्ड कप में अपीयर हुई है, ठीक है। वहीं हमने पढ़ा कुछ दिन पहले जो सैन वॉर्नी है भाई ऑस्ट्रेलिया के थे, इनकी डेथ हो गई, इनका निधन हो गया। चलिए ये किसी ने आंसर दिया 8000 वाला, बहुत बहुत अच्छी, स्टीव स्मिथ बिल्कुल सही। भाई कुमार संगकारा जो कि श्रीलंका के हैं, उनके रिकॉर्ड को क्या है सरपास करके स्टीव स्मिथ ने
ये अपने नाम कर लिया है। मिताली राज क्या है थर्ड, अगर ओवरऑल बोला जाए तो तीसरी प्लेयर बनी है, सचिन तेंदुलकर है, उनके बाद एक और है जो इतने वर्ल्ड कप में अपीयर हुए हैं, मिताली राज तीसरी है, अगर ओवरऑल में पूछा जाए तो तीसरी है, महिलाओं में ये पहली है जो कि 6 वर्ल्ड कप में अपीयर हुई है। सबसे पहले वर्ष 2000 में वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इन्होंने अपना डेब्यू किया था, ठीक है, शेन वॉर्न ने आपको पता ही है। और जो हाल फिलहाल में वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, यह कौन सी महिला टीम के द्वारा जीता गया था, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चलिए भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए, और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सारी चीजें तो यहाँ पर देखिए इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, निकोलस के बारे में ये सारी चीजें लिखी हुई है कि कब से उन्होंने क्या अपना डेब्यू स्टार्ट किया है। चलो इन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? चलो भाई ये क्वेश्चन तो शायद आपको एक दो दिन पुराना लगे, बट इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ी गई है, एक बार जल्दी से शेयर करेंगे, एक बार जल्दी से आप सभी लोग शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है जो कांस फिल्म फेस्टिवल होते हैं उनमें जूरी सदस्य के रूप में दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है, इन्हें दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। अच्छा क्या होते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल, क्या कोई बताएगा क्या होते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल? देखिए कांस एक शहर है जो कि आपका फ्रांस में पड़ता है, तो उसी के नाम पर इन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल बोल दिया जाता है। इनकी शुरुआत 1946 से हुई थी, इनकी शुरुआत 1946 से हुई थी, ठीक है। चलिए ये आप देख लीजिएगा भाई, दीपिका पादुकोण को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये जो अब 2022 में होंगे, 2022 में जो होंगे ये 75वें, इनका 75वां संस्करण ये होगा। दीपिका पादुकोण पहली नहीं है, दीपिका पादुकोण से ये सभी अभिनेत्री हैं जो एज अ जूरी मेंबर इसमें शामिल हुई हैं। सबसे पहले शर्मिला, देखिए शर्मिला टैगोर भी हुई है 2009 में, नंदिता दास 5 में, ऐश्वर्या राय बच्चन 3 में और विद्या बालन 13 में। मतलब कि जो सबसे पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर बनी थी ये थी ऐश्वर्या राय वर्ष 2003 में। तो ये तो जूरी की बात हो गई, चलिए अब आप कुछ और इसमें जानेंगे, एंड ये भी जान लीजिएगा कि 17 मई से लेकर 28 मई को ये फेस्टिवल होंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपने देखा कि इसका 75वां एडिशन होगा, और भारत भी क्या है, भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, ठीक है। तो भैया इस मैच को मिलाने के लिए ये कहा गया है जो कांस फिल्म फेस्टिवल होंगे उनमें आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर को, ऑनर का जो हिस्सा होगा या बतौर इस पद पर जो सम्मानित किया जाएगा ये भारत होगा। मींस कंट्री ऑफ ऑनर जो मिलेगा कांस फिल्म फेस्टिवल में यह भारत को मिलेगा, क्योंकि भारत में 75 वर्ष मना रहा है आजादी के, और वहीं कांस फिल्म फेस्टिवल भी 75, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कंट्री ऑफ ऑनर की तरह कौन शामिल होगा, भारत शामिल होगा। अब भारत शामिल होगा तो भारत के जो भी सिनेमा जगत में, ठीक है, प्रमुख या विख्यात व्यक्ति रहे हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा, और उन्हें सम्मानित करने के लिए क्या बोला गया है, जो सत्यजीत रे हैं, सत्यजीत रे की फिल्म को इसमें स्क्रीन प्ले किया जाएगा। कौन सी फिल्म को, प्रतिद्वंदी, उनकी जो मूवी है प्रतिद्वंदी, और अरविंद गोविंदन की जो दी सर्कस टेंट है, इन फिल्म को इसमें दिखाया जाएगा।
ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। करिए भाई, ये जो इनकी फिल्म है प्रतिद्वंदी सत्यजीत रे की, ये एक बंगाली लेखक है सुनील गोपाल गंगो उपाध्याय, तो उनकी कहानी पर बेस्ड है। बस आपको मूवी का नाम याद रखना है, आपको मूवी का नाम याद रखना है कि कौन सी मूवी सत्यजीत रे की दिखाई जाएगी, बाकी इसमें कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, क्लियर यहां तक सारी चीजें? क्लियर है यहां तक सारी चीजें जी? आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, इसलिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ये डिसाइड किया गया है, बाकी ये सारी चीजें आप देख लेंगे। 19th of May को इसमें क्या है, भारत दी कंटेंट ऑफ हब दी वर्ल्ड कार्यक्रम होगा, जिसमें जिसमें क्या है, अपूर्व चंद्रा और प्रसून जोशी जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो शामिल होंगे और शेखर कपूर भी शामिल होंगे। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ओनर वाला था जो पोर्शन मैंने आपको बताया। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है? चलिए, फिल्म की बात चल रही है तो अब आप मुझे जल्दी से बताइएगा, अब आप मुझे जल्दी से बताइएगा बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है यह किसे मिला है, और ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, यह आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। जल्दी से आप मुझे बताएंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव कर जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश की पहली ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री खोली है? चलिए भैया, आपको ये जानना है ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री जो है पहली बार हमारे देश में खोली गई है, अब किस राज्य के द्वारा खोली गई है? सो दिस इज बिहार, द पावर ऑफ डॉग एंड कोड़ा, बहुत बहुत अच्छे, द पावर ऑफ डॉग एंड कोड़ा, बहुत बहुत शानदार, तो बिहार के द्वारा खोली गई है। देखिए एग्जैक्टली अगर मैं आपको चीज बताऊं तो भाई एग्जैक्टली चीज क्या है कि वर्ष 2018 में हमारी नेशनल, हमारी राष्ट्रीय ईंधन पॉलिसी आई थी, यानी कि नेशनल फ्यूअल पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। अब क्यों लॉन्च किया गया था कि हम पेट्रोल में या फिर हम डीजल में ब्लेंडिंग करेंगे एथेनॉल की, जो एथेनॉल ब्लेंडेड आपका पेट्रोल या फिर डीजल है उसे बेचा जाएगा। अब 20% जो ब्लेंडिंग रहेगी, 20% ब्लेंडिंग तो रहेगी हमारी किसकी, एथेनॉल की, वही 5% जो रहेगी ये बायोडीजल्स वगैरह की आपकी ब्लेंडिंग रहेगी। और ये टारगेट हमने कब तक रखा है, 2030 तक हम 20% जो एथेनॉल है उसे ब्लेंड करके अपनी फ्यूल को बेचेंगे। इसमें एथेनॉल भी रहेगा, इसमें क्या है आपके भाई बायो ब्यूटेनॉल भी रहेगा, बायो डीजल भी रहेंगे, बायो हाइड्रोकार्बन भी इसमें रहेंगे। चलिए एक बार मैं आपको सारी चीजें यहां बता देती हूं। देखिए एथेनॉल, चलिए यहां आप देख लीजिएगा, बिहार के पूर्णिया में, बिहार में भी किस जगह है, बिहार के पूर्णिया में इस फैक्ट्री को खोला गया है। अब भाई ये क्या होगा, अगर एथेनॉल ब्लेंड हो रही है, पेट्रोल में एथेनॉल अगर ब्लेंड हो रही है, इट मीन्स कि पेट्रोल की जो खपत है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसकी जो कैपेसिटी रहेगी इस फैक्ट्री की, ये 65,000 लीटर जो एथेनॉल है उसे क्या है प्रोड्यूस करेगी, और किससे करेगी, एथेनॉल बनाई किससे जाती है, तो एथेनॉल जो हमारे ग्रेन्स होते हैं लाइक मक्का है, चावल है, और भी कुछ ग्रेन्स है, उनसे बनाई जाती है। तो बिहार में जो बनेगी ये मक्का और चावल से बनेगी। एक दिन में मतलब इतनी भाई 65,000 लीटर एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 150 टन मक्का और चावल चाहिए प्रतिदिन। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री तो पूर्णिया में खुलेगी, इसके बाद बोला गया है 2 यूनिट और खुलेंगी गोपालगंज में
और भोजपुर में, गोपालगंज और भोजपुर जिले में क्या है, दो यूनिट और खुलेंगी। इसके बाद हम मुजफ्फरपुर में, नालंदा में, बक्सर में, बेगूसराय में और पूर्वी जो चंपारण है और भागलपुर जो है उसमें स्थापित करेंगे। पहले आपको पहली ही याद रखनी है, पहली कहां पर खुलेगी, पहली पूर्णिया में खुलेगी। भाई जो नेशनल फ्यूल पॉलिसी आप पढ़ रहे थे तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि बिहार पहला राज्य बना है जिसने नेशनल फ्यूल पॉलिसी को अपनाया है। ठीक है, इसमें जो लागत लगी है इस कंपनी में, ये 105 करोड़ रुपए की लागत लगी है एंड इसे जो निर्मित कर रही है, इस कंपनी को जो बना रहा है, दिस इज ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड। ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए बस आपको यही याद रखना है। अगर आप पॉलिसी के बारे में देखते हैं तो पॉलिसी में भाई ये कहा गया था, बायोफ्यूल को भी क्या है, कैटेगराइज कर दिया गया है। बायोफ्यूल को भी इसमें क्या है, कैटेगराइज कर दिया गया है। कौन से, एक तो होंगे बेसिक बायोफ्यूल, एक होंगे बेसिक बायोफ्यूल मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में जो हम एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे बेसिक बायोफ्यूल से। सेकंड में बोला गया है, सेकंड में जो निकालेंगे ये क्या है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होगा उससे। एंड थर्ड में कहा गया है बायो सीएनजी ईटीसी। ठीक है, चलिए आपको इतना याद नहीं रखना, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि जो एथेनॉल है उसे हम सुगर केन से भी बना सकते हैं, सुगर केन के जूस से, उसे हम सुगर से भी बना सकते हैं। ठीक है, उसे हम बीट रूट जो चुकंदर होती है उससे भी, स्वीट जो मीठा वाला सोरगम होता है उससे भी, जिसमें कि क्या होता है, स्टार्च होता है। कॉर्न तो मैंने आपको बताया, कसावा भी मैंने अभी आपको बताया है, पोटेटोज जो होते हैं, आलू जो होते हैं उससे भी एथेनॉल बन सकता है। ठीक है, ये है एथेनॉल बनाने के सोर्स, मतलब कि ऐसे फ्रूट्स वगैरह, अनाज वगैरह जिसमें एक तो स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाए या फिर क्या है, सुगर की जो कंटेंट है वो थोड़ा ज्यादा हो, तो उससे एथेनॉल बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए चलिए भाई, क्लियर, ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट जारी किया है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट को जारी किया है, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है इसमें से जिसने एक रिपोर्ट निकाली है और रिपोर्ट में क्या है, स्थिति को बताया गया है, जंगल्स की स्थिति वर्ल्ड लेवल पर क्या है इसको बताया गया है। भाई फॉरेस्ट रिपोर्ट की हम बात नहीं कर रहे, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, किसके द्वारा रिलीज की गई है, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इटली की जो कैपिटल है रोम, तो रोम बेस्ड यूएन का ही एक पार्ट है, यूएन की ही ये बॉडी है एफएओ, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया है। देखिए रिपोर्ट में बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं, ये आप देखते हुए चलेंगे कि क्या इसमें बताया गया है। चलिए भाई, सबसे पहले तो ये बताया गया है रिपोर्ट में कि 1990 के बाद से अगर हम देखते हैं तो लगभग 420 मिलियन हेक्टेयर जो वन है या फिर अन्य भूमि उपयोग है उन्हें क्या है, उन्हें नष्ट कर दिया गया है। मतलब कि भैया हम वन को और भूमि को नष्ट कर रहे हैं, चाहे अब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बोल लीजिएगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से बोल लीजिएगा। तो पहले तो ये बताया गया है कि 1990 के बाद से अगर हम अब तक देखें तो इतने 420 मिलियन हेक्टेयर जो वन है या अन्य भूमि है इसे नष्ट कर दिया गया है। फिर एक चीज इसमें थोड़ी अच्छी भी बताई गई है कि अगर हम 30 वर्षों में वनों की कटाई की दर को देखें तो भाई उसमें थोड़ी कमी आई है। इसे अगर हम 2015 से 20 का देखते हैं तो 10 मिलियन
जो हेक्टेयर प्रति वर्ष है, इतनी वनों की कटाई में क्या है, कमी देखने को मिली है। मतलब एक अच्छी चीज भी हमें देखने को मिली है कि लोग वनों की कटाई तो अब कम कर रहे हैं। भाई वनों की कटाई कम कर रहे हैं, इट मींस दूसरी सोर्सेज बढ़ रही हैं, या तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, सॉरी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। ठीक है, चल फिर इसमें एक चीज और बताई गई है, वन पृथ्वी की भूमि की सतह के लगभग 31% को कवर करते हैं। भाई अब अगर देखा जाए, अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पर वन देखे जाए, वर्ल्ड वाइड लेवल पर अब वन देखे जाए तो ये 31% मतलब कि हमारी भूमि के, हमारे पृथ्वी के 31% भाग पर क्या है, वन है। अगर इसका वो देखा जाए, एरिया देखा जाए, तो 4.06 बिलियन हेक्टेयर जो भूमि है उस पर वन है। ठीक है, चलिए ये कहां निकाली गई थी, कोएक्स सियोल में आयोजित हुआ था वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, तो वहां पर इस रिपोर्ट को निकाला गया था। ठीक है, तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। देखिए ये हम भारत वाली रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे, ये वर्ल्ड वाइड लेवल की जो रिपोर्ट है उसकी बात कर रहे हैं, और तीन चीज इसमें क्या है हमारे लिए मेन थी। कौन कौन सी मेन थी, कि कितनी जो वन है वो कम हो गए हैं कटाई, और कितने परसेंट भाग पर हमारे वन है, बस यही। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर आपको बताया गया था, महानिदेशक इसके क्यू डोंग्यू है, क्यू डोंग्यू इसके महानिदेशक है। ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से ये कमेंट करके बताएंगे, मैंने जो आपको अपने भारत वाली थी फॉरेस्ट रिपोर्ट, कौन सी भारत वाली जो बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट भाग पर वन प्लस पेड़ है, वन प्लस पेड़ है यह आपको बताना है, और सबसे ज्यादा किस राज्य में वन प्लस पेड़ है यह भी आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके ये आप मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड दिस इज टाइम हायर एजुकेशन, टाइम हायर जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं THE, टी टाइम हायर एजुकेशन ने दी इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 जारी की है, यह इसका कौन सा संस्करण था ये आपको जानना है। तो दी टाइम हायर एजुकेशन, दी टाइम हायर एजुकेशन का यह कौन सा संस्करण है, फोर्थ नंबर का संस्करण है। चलो इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज को, इसमें 110 देशों की 1524 यूनिवर्सिटीज को क्या है लिस्टेड किया गया था, और 18 पैरामीटर थे, 18 पैरामीटर पर इन्हें देखा गया था। ठीक है, जिसमें हमारे SDG भी शामिल है, जिसमें हमारे SDG भी शामिल है। चलिए अब ये देखते हैं, अब ये देखते हैं भाई, देखिए इस रिपोर्ट में एक चीज और बताई है, भारत में जो टोटल यूनिवर्सिटीज है ये 64 है, भारत में टोटल 64 यूनिवर्सिटीज है। अगर हम नंबर की बात करें कि कौन से नंबर पर है भारत, तो भारत चौथा देश है यूनिवर्सिटीज के मामले में, भारत चौथा देश है जहां सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, चल और पहला सबसे ज्यादा कहाँ है, फर्स्ट नंबर पर कहाँ है, USA में है। ठीक है, चलिए अब टॉप किस यूनिवर्सिटी ने किया है ये एक बार जल्दी से देख लेंगे, टॉप किस यूनिवर्सिटीज ने किया है ये एक बार जल्दी से देख लेंगे, तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया की, यह फर्स्ट नंबर पर रही है। अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी जो है ये सेकेंड नंबर पर रही है, भारत की ओर से जो फर्स्ट नंबर पर रही है, ओवरऑल तो इसकी फोर्थ रैंक है, बट अगर हम भारत की ही लेंगे तो अमृता विश्व विद्यापीठम ये क्या है, ये फोर्थ नंबर पर है। उसके बाद भारत के सेकंड नंबर पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। देखिए ये थोड़ी फैक्चुअल डेटा बेस्ड आपके क्वेश्चन है, तो शायद आपको अच्छे ना लग रहे हो, ठीक है, बट भाई हमें क्वेश्चन तो पढ़ने ही पड़ेंगे। चलो एक बार मैं जिस्ट बता देती हूँ कि एग्जैक्टली बोला क्या गया है।
द टाइम हायर एजुकेशन जो है उसने इम्पैक्ट यूनिवर्सिटीज रिपोर्ट निकाली है। तो भाई जैसे ही रिपोर्ट निकाली, एक चीज इसमें बोली गई है कि भारत में टोटल 64 यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, और भारत कौन सी रैंक पर है, भारत चौथी रैंक पर है यूनिवर्सिटीज के मामले में। सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी है यह यूएसए में है, ठीक है। अब टाइम हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो ये है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ये ऑस्ट्रेलिया की है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर अगर फर्स्ट नंबर पे पूछी जाती है तो आप ये याद रखेंगे, भारत के लेवल पर फर्स्ट नंबर पे अगर पूछी जाती है तो अमृत विश्वास विद्यापीठम को आप याद रखेंगे, और सेकंड नंबर पर भारत की कौन सी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ओवरऑल तो वैसे इसकी रैंक चौथी है, वर्ल्ड में इसकी रैंक चौथी है, बट भारत में तो ये पहले नंबर पर हुई ना, ठीक है, बस यही आपको याद रख। चलिए यूनिवर्सिटीज की बात चल रही है तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, यूनिवर्सिटीज की बात चल रही है तो आप मुझे जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, पहला आप मुझे ये बताइएगा, जो प्रोस्थेटिक नी बनाया गया है, जो प्रोस्थेटिक नी बनाया गया है ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने बनाया। सेकंड आप मुझे ये बताएंगे, परम गंगा जो सुपर कंप्यूटर है, परम गंगा जो सुपर कंप्यूटर है उसे कौन सी आईआईटी, कौन सी आईआईटी में एस्टैब्लिश किया गया है, ये आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यही मूव करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड 7 क्या है, अप्रैल माह के दौरान कुल कोयला उत्पादन कितना था। चलिए भैया, हां जी, ये क्वेश्चन है कि अप्रैल मंथ जो चला गया है उसमें भारत का कोल प्रोडक्शन कितना रहा था, कौन सी कंपनी ने सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन किया, यह हमें जानना है। तो सबसे देखिए, भारत का जो कोल प्रोडक्शन रहा अप्रैल मंथ में, ये 661.5 लाख टन था, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस किया है ये कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है, ठीक है, कितना है, 534.7। सेकंड नंबर पर जो सिंगरेनी कंपनी है, सिंगरेनी कोलरीज कंपनी है, उसके द्वारा किया गया है, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पर जो कैप्टिव माइंस है उनके द्वारा किया गया है। तो भाई कोल इंडिया लिमिटेड आप याद रखेंगे, कोल इंडिया लिमिटेड ने सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन किया है, सिंगरेनी सेकंड नंबर पर रही। ये अप्रैल मंथ की बात है, कब की है, ये अप्रैल मंथ की बात है, ठीक है। चलो अगर हम इससे बिजली का देखें, बिजली क्षेत्र का अगर हम बढ़ाव देखें तो बिजली क्षेत्र का बताया गया है 617.2 लाख टन, ठीक है। चलिए इतना ही याद रखना है आपको, बस कोल का याद रखना है, आपको बस कोल का याद रखना है। चलिए कोल से रिलेटेड बात चल रही है तो याद रखेंगे कि झारखंड में क्या है, सबसे ज्यादा कोल होता है, और कोल की 4 वेराइटीज होती हैं, आपका एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, वही लिग्नाइट होता है, एंड पीट कोल होता है। जो एंथ्रासाइट है यह बेस्ट क्वालिटी का, ये क्या है, बेस्ट क्वालिटी का कोल है। जो पीट है ये सबसे वर्स्ट क्वालिटी का कोल है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए कोल इंडिया लिमिटेड जो है इसे एक अवार्ड भी मिल चुका है, अवार्ड का नेम नहीं याद आ रहा, चलिए मैं बताऊंगी आपको। तो कोल इंडिया लिमिटेड को बेस्ट इंडस्ट्री का भी अवार्ड मिला है, अवार्ड मैं आपको बताऊंगी। चलिए ये आपको क्लियर है, ये है आपको क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है कि किस राज्य की टीम ने संतोष ट्रॉफी 2022 जीती है। चलो भैया बता दो, संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, किसके क्षेत्र में खेली जाती है, फुटबॉल के क्षेत्र में खेली जाती है, अब किस टीम ने जीती है वर्ष 2022 की संतोष ट्रॉफी, तो यह केरल के द्वारा जीती गई है। होस्ट भी किसके द्वारा की गई थी,
होस्ट भी केरल के द्वारा ही की गई थी। केरल का जो मल्लपुरम, मल्लपुरम का जो पेनाड स्टेडियम है वहां पर इसे होस्ट किया गया था, जिसमें पेनल्टी शूटआउट में केरल ने वेस्ट बंगाल को 5-4 से हराया था। और भैया केरल ने सातवीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। ये सेवंथ टाइम है कि केरल ने संतोष ट्रॉफी को जीता है। ठीक है, चलिए इसे लीड, केरल की टीम को कौन लीड कर रहे थे? जीजो जोसेफ इसे लीड कर रहे थे, मतलब कैप्टन थे। वहीं इस टीम के जो कोच थे ये बिनो जॉर्ज थे। ये कौन थे? बिनो जॉर्ज थे। ठीक है, चलिए इतना ही याद कर लीजिएगा, शॉर्ट में ही इसे याद कर लीजिएगा। चलिए केरल बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से मूव कर जाते हैं। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय तट रक्षक द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एक एफपीवी, एफपीवी मतलब कि फास्ट जो पेट्रोल वेसल होता है, उसका नाम क्या है, उसका नेम क्या है, यह हमें जानना है। तो भैया कमला देवी, हाल फिलहाल में कमला देवी जो फास्ट पेट्रोल वेसल है, जो फास्ट पेट्रोल वेसल है इसे लॉन्च किया गया है। कहां से? जो 24 परगना जिला है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का जो 24 परगना जिला है वहां से इसे लॉन्च किया गया है। देखिए कमला देवी कौन थी? भैया कमला देवी एक सोशल रिफॉर्मर, एक फ्रीडम फाइटर थी, एक फ्रीडम फाइटर थी। तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए उनके ही नाम से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये क्या है? एफपीवी, एफपीवी सीरीज का यह फिफ्थ वेसल है, एफपीवी सीरीज का यह फिफ्थ वेसल है, इसे जो बनाया गया है, चलिए इसे जो बनाया गया है ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने जो तीतागढ़ वेपन्स लिमिटेड है इसके साथ मिलकर बनाया है। हाँ जी, इसके क्या है? इसके साथ मिलकर बनाया है। चलिए भाई ये कमला देवी के, देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या इसकी स्पीड रहेगी, कितना लंबा चौड़ा है। तो 48.9 मीटर तो ये लंबा है, वही 7.5 मीटर ये चौड़ा है। एंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज 308 टन का है। और इसकी जो स्पीड है ये 34 नॉट्स है। कितनी है? 34 नॉट इसकी स्पीड है। ठीक है, चलिए भाई ये आपको जान लेना है। अब यूज क्या है भाई, यूज क्यों होते हैं, इनमें बहुत सारे सिस्टम्स भी लगाए गए हैं। कमला देवी के बारे में आप जरूर जान लीजिएगा कि कमला देवी चट्टोपाध्याय कौन थी। चलिए भाई ये देख लीजिएगा, एक एक्टिविस्ट थी। कहां से? मद्रास प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंसी था उससे एक एक्टिविस्ट थी, जिनका जन्म 3 अप्रैल 1903 को हुआ था। और इन्होंने क्या है, इन्होंने जो आर्टिसंस होते हैं, जो क्राफ्टमैन होते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत ज्यादा कार्य किए थे। तो उन्हीं के सम्मान में इसे शुरू किया गया है। ठीक है, इन्हें मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। बस आप इतना ही जान लीजिएगा कि कौन थे भाई, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये जीत चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। जूड ट्रंप को हराकर बैटफ्रिड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? चलिए भैया काफी एजड है, ठीक है, काफी एज में, आई थिंक 46 ईयर के हैं, रोनी ओ सुलीवान। रोनी ओ सुलीवान ने क्या जीता है? बैटफ्रिड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन के नाम से भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बैटफ्रिड जो है ये इसका होस्टिंग फाउंडेशन है। तो रोनी ओ सुलीवान जो कि इंग्लैंड के हैं, उनके द्वारा
इसे जीता गया है। और कहां पर चल रही थी? यह चैंपियनशिप इंग्लैंड में ही होस्ट की गई थी। जो इंग्लैंड का शेफील्ड क्या है, थिएटर है, वहां होस्ट की गई थी। 16 अप्रैल से लेके 2 मई तक यह चैंपियनशिप चली थी, ठीक है, इनके द्वारा जीती गई थी। चलिए इसमें क्या है, इसमें कुछ अवार्ड वगैरह जो दिए जाते हैं ये लिखा हुआ है। हाँ जी, सुलिवान कितनी एज के हैं? ये 46 एज के हैं और ये ओल्डेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। ओल्डेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ये बन चुके हैं। इनसे पहले जो जीता था रे रियर्डन ने जीता था, ये 45 वर्ष के थे जब इन्होंने खिताब बनाया था। चलिए एक बार मैं आपको ना थोड़ा जस्टिस का कर देती हूँ कि बोला क्या जा रहा है। देखिये, जो सुलिवान है, जो रोनी और सुलिवान है, इन्होंने क्या है, क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आपको, इन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप को जीता है। जीता है ये तो बिल्कुल सही बात है। कहां से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और इंग्लैंड में ही ये चैंपियनशिप हुई थी। बट जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है, जीतकर इन्होंने एक इतिहास रच दिया है। भाई ये 46 साल के हैं और ये ओल्डेस्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप को इस एज में जीता है। अब इनसे पहले भी किसी का खिताब रहा होगा, किसी का रिकॉर्ड रहा होगा, तो इनसे पहले जो रिकॉर्ड था ये रे रेडन का था, रे रेडन का था। बट रे रेडन उस टाइम पर 45 वर्ष के थे जब इन्होंने चैंपियनशिप जीती थी। ये इनसे एक साल और ज्यादा बड़े हैं, कितने 46 साल के हैं जब इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है, ठीक है। चलिए भाई, बाकी सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि इनकी कुछ जीत है कि कब कब इन्होंने किसे हराया था, ठीक है। चलिए भाई, वर्ल्ड अस्थमा डे और देख लेंगे कि वर्ल्ड अस्थमा डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड अस्थमा डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? वैसे देखिए इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है, बट इस बार जो वर्ल्ड अस्थमा डे पड़ा है ये 3 मई का पड़ा है। वैसे कब मनाया जाता है? भाई ये जो फर्स्ट ट्यूसडे आएगा, फर्स्ट ट्यूसडे जो होता है किसका, मई मंथ का जो ट्यूसडे पड़ता है, फर्स्ट ट्यूसडे जो पड़ता है उसी दिन वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार ये कब पड़ा? इस बार ये 2 मई को, इस बार ये 3 मई को पड़ा। 2021 में ये 4 मई को पड़ा था, वहीं 2023 में यह 2 मई को पड़ेगा। 1993 से ये मनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस बार याद रखेंगे इस बार ये कब पड़ा है। चलिए, ये इसके सिम्टम्स वगैरह लिखे हुए हैं। चलिए, इसकी थीम रही थी एंड द केयर गैप, एंड द केयर गैप, ठीक है, एंड द केयर गैप। चलिए भाई, यही आज इतने ही, अभी इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ओवर करते हैं क्लास को। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है। प्रणाम मैम जी, जी प्रणाम। आरिफ मिर्जा प्रणाम, शायद आप लेट आए हैं। चलिए तो यही आपसे विदा लेते हैं, जो ऐप वाले साथी हैं वो जुट जाएंगे, 1 बजे आपकी आपकी क्लास है, ऑलराइट। चलिए भाई, एंड देखिए, जो चीजें आपको डेली पढ़ाई जाती हैं उसका चाहे शाम को रात को जब भी आपको टाइम मिलता है 5 या 10 मिनट में, बस ज्यादा टाइम नहीं देना, इतने मिनट में आपको रिविजन कर लेना है, फिर चीजें आपकी सारी फिक्स हो जाएंगी, करंट अफेयर को आपको रटना नहीं पड़ेगा, ऑलराइट। चलिए, हैव अ ग्रेट डे अहेड, सभी अपना ख्याल रखेंगे, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।